करता हुआ वेस्टर्न साइड टीम्स के लिए आपके लिए सर्कल जाना यहाँ से बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं बता रहा जरूर जाऊंगा, खाली बस टीम हाइड्रा जो अभी आपको फ्री में नजर आ रही वही टीम बिल्कुल सर्कल के पास नजदीक आ रही है, और बिल्कुल आप बोल सकते हैं उस जितनी भी वॉर चल रही जितनी फाइट चल रही उससे बिल्कुल अलग हो चुकी है, वेट कर रही है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अपने आपको टॉप 5 में इजिली वहां पर लेके चलेगी, और सही वक्त पे डिसंगेज किया गया। लेकिन बात की जाए सेल स्टॉक्स में, फाइनली जो बात कर रहा था, अब यहाँ पर क्लोज रेंज के लिए आपको इस हथियार को उठाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ समय नहीं है, यहाँ पर 122 मीटर ट्रेवल करना है, और 4 से 5 टीम्स अगर इस वेस्टर्न साइड के सर्कल स्ट्रिंग को अगर अंदर आने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद टीम सोल का भी एलिमिनेशन यहाँ पर आ जाए, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन टीम हाइड्रा 2KDIGL इतना बढ़िया, मतलब आपके पास एक इतना बढ़िया यहाँ पर कवर था, आप एडवांटेज में थे, लेकिन वहां पर नॉकआउट कैसे हो पा रही यहाँ पर टीम हाइड्रा। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो जॉनथन भी यहाँ पे नॉकआउट है, रिवाइवल देना पड़ेगा यहाँ पे जॉनथन को जल्द से जल्द, क्योंकि सर्कल का प्रेशर यहाँ पे होने वाला है, साथ ही साथ टीम्स आने वाले। लेकिन निंजा की तरफ से जो एक गलती नहीं बोलूंगा, वो थोड़े से फंस गए इस बीच में, फायदा उठाया गया, नॉकआउट कर चुके सर्कल के बाहर, वो फिनिश अप भी हो जाएंगे। वाइपर भी यहाँ पे बात करें तो एक्वानॉक्स की चपेटे में आते, नॉक तो किया ही, फिनिश अप भी कर दिया गया सब्स्टिट्यूट, हालत काफी नाजुक है। हेल्थ रिकवर करते हुए यहाँ पे आगे बढ़े तो बेटर रहेगा। हाइड्रा कंप्लीट टीम को यहाँ पे गेट कीप करने की कोशिश में लगे हुए, वो नहीं चाहते कि सर्कल का कोई भी हिस्सा अपने तरफ टीम अपने लेके आ सके। नॉक्स की तरफ से स्प्रे हाइड्रा की तरफ यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे वापस से किया, वो क्लच अपने एंड से दिखा पाएंगे, सेम की तरफ जा रहे, ट्राई करेंगे स्मोक्स के पीछे, वो फिलहाल होल्ड करके रखे हुए, स्पॉट मिलेगा 1v1 का बैटल, कनेक्शन यहाँ पे बात करें, फाइनली यहाँ पे सीन को टेक डाउन किया गया, उसके बाद ये बैकअप आ भी जाएगा, एको को बात की तो चुप इस बीच नॉकआउट कर देंगे सब्स्टिट्यूट को, यहाँ पे हेल्थ की आवश्यकता पड़ेगी 75 एचपी एटलीस्ट, इनको रिकवर करने की जरूरत है, वो जरूरत पूरा नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बैंडेजेस हैं इनके पास, और बैंडेजेस के साथ आप नहीं जा सकते। बैकअप साइड बात करें तो टीम गॉडला एक एंट्री ले रहे जो कि टीम सोल के लिए बारी पड़ सकते हैं, लेकिन जोनाथन को भी नॉक आउट कर दिया जाएगा, ये मौका था जोनाथन के पास जो कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे गवा बैठे। टीम सोल यहाँ पे कमबैक करना चाह रहे हैं, टीम गॉडलाइक को इस मैच से एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, कामयाबी किन्हें मिल पाएगी एम2 फोर्टनाइट के साथ यहाँ पे जाएंगे, ट्राई कर रहे हैं कनेक्शन मिलेगा, लेकिन रॉक्स भी फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन कर दिया, क्लच शॉट का ये आखिरी स्प्रे अक्षु ओपी के लिए मारी पड़ सकती थी रिवाइवल होने से पहले। देखिए ये पोजीशन बता दिए, ये पोजीशन बता दिए कि वहां पे रिवाइवल स्टार्ट हो गया, आपको जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। ये दो टीमें बहुत टाइम से आखिरी सर्कल में आने के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन रिवाइवल मिल जाएगा अनकिन को, जोनाथन को यहाँ पे रिवाइव दे दिया गया। क्लच गॉड की बात करें, ये सिचुएशन थोड़ा आपके अगेंस्ट जा सकता है, टीम गॉड लाइक वंस अगेन विनर विनर चिकन डिनर अपने लिए लेके जाएंगे, और टीम सोल की तरफ से कमाल का एफर्ट हमें देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी आप कैजुअलिटी खा ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें टीम गॉडलाइक की, टीएसएम के अगेंस्ट फाइट होते हुए नजर आ रही है, जो सीन समय देखने को मिलता है मिडल ऑफ द गेम, लेकिन अब तो शुरुआत हुई, 5 मिनट भी नहीं हुए है इस मैच को, और ऐसे अमेजिंग टीम्स की जब बैटल हमें देखने को मिल जाए, जहां पर हम बात करें एस पावर का कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो 3v4 का सिचुएशन, एंड लेट्स फाइंड आउट कि कौन किस पे भारी पड़ता नजर आएगा। जोनाथन की बात करें निंजा की तरफ वो बढ़ते हुए अभी के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एंड क्या स्पॉट आउट कर रहा है गेन, क्योंकि अभी के लिए मेरे ख्याल से शायद किसी खिलाड़ी ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी अगर देखा जाए तो टीएसएम की, ना यहाँ पर हम बात करें टीम गॉड लाइक खिलाड़ी की, बट प्लेस का नॉकआउट होना कहीं ना कहीं इनको इक्वलाइजर इक्वल अपॉर्चुनिटी पर लेकर आ सकते हैं, और ये देखिए क्लच गॉड इसलिए उठते हैं वहां पर हल्का सा प्रोन होते हैं तो क्राउच कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से देखिए जिस तरह से यहाँ पर स्पॉट आउट कर लिया गया है, क्या ग्रेनेड मौजूद है, ग्रेनेड होगा तो आप आराम से एक ही झटके में एक्वानॉक्स को भी आप नॉकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पे ये चीजें आपके देखने को मिल सकी, जो उधर वापस से आप जाके स्काल स्प्रे सामने निंजा काफी क्विक वो यहाँ पे निंजा को नॉकआउट कर दिया गया है, और अब यहाँ पे रिवाइवल देखते हैं क्या उनको मिल पाएगा या फिर उससे पहले और मुश्किल यहाँ पे बढ़ाने वाली। पीछे से बात करें तो शैडो यहाँ पे कुछ अच्छे कवर फायर यहाँ पे देने की कोशिश, यूएपी के साथ यहाँ पे प्रो क्लच गॉड की तरफ ट्राई किया गया, क्लच गॉड को क्या डॉक किया गया, बिल्कुल डॉक आउट कर दिया गया है, नंबर्स फिलहाल बराबरी पे, लेकिन रिवाइवल इस पॉइंट पे क्लच गॉड को यहाँ पे काफी आराम से यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन रावण वहां पर देखिए टीएसएम के अकेले खिलाड़ी हूँ यहाँ पर, निंजा भी अब हो चुके हैं डाउन वहां पर, और मुझे लग नहीं रहा वहां से अब उनका सर्वाइवल बन पाएगा। शेडो बेशक अभी के लिए अगर देखा जाए खाली शेडो ही मुझे नजर आ रहा है, निंजा को अभी के लिए रिवाइवल दे दिया जाएगा तभी बात बन पाएगी, लेकिन जोनाथन को पता है कहाँ पर निंजा का नॉकआउट निकला है, तो जा रहे हैं वहां पर कन्फर्मेशन उनका निकालने, लेकिन थोड़ा समझ क्योंकि शेडो ने जिस तरह से वहां पर वो कन्फर्म वो जो नॉकआउट निकाला था क्लच शॉट का वो काफी बिल्कुल शानदार था, QMP 45 से मिड रेंज जो उन्होंने निकाला काफी शानदार, और अभी के लिए देखिए काफी अच्छा डिसीजन उनका, उनको पता है कि यहाँ पर अगर फाइट लेंगे तो एक ही पॉइंट के साथ एलिमिनेशन आएगा, अभी के लिए अगर वो यहाँ पर सर्वाइवल गेम प्ले खेलेंगे कुछ अंक वो जोड़ पाएंगे यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल स्टैंडिंग में कुछ फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा उनको।